सीएम योगी ने किसकी बात सुनी, प्रतापगढ़ में इस बात की होने लगी चर्चा। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा कहने लगी, थैंक यू योगी जी, आपने मेरी बात सुन ली। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता कहने लगे, योगी ने आपकी नहीं मेरी बात सुनी, थैंक यू योगी जी। जी हां, प्रतापगढ़ में इन दिनों कुंडा के राजा भैया से ऊपर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजा भैया सोच रहे होंगे, अरे ये क्या, अब तक हमारी वजह से प्रतापगढ़ का नाम यूपी के पटल पर छाता था, लोगों की जुबां पर प्रतापगढ़ में राजा भैया हैं यही बात होती रही, लेकिन अब तो ये दोनों खुद को सुर्खियों में ले आए। दोनों के बीच एक मुद्दे पर लड़ाई जारी है, क्रेडिट लेने की होड़ जबरदस्त है, इसलिए प्रतापगढ़ में दोनों की चर्चा खूब हो रही है। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, एक ही स्वर में कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात सुन ली, उनकी बात सुनने की वजह से वो हुआ जो प्रतापगढ़ के लिए जरूरी था। सीएम योगी ने उनकी कही बात को महत्व दिया, जरूरी समझा, जनता की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अहम माना और उसको लागू कर दिया। इससे पहले आराधना मिश्रा मोना योगी को थैंक यू कहती है, जैसे आराधना ऐसी बात कहती है योगी को शुक्रिया कहा, वैसे ही बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने भी शुक्रिया कहा और उनकी बातों से ऐसा लगा शुक्रिया कहने का पहला मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। आराधना को ऐसा कहने का हक नहीं था लेकिन कह दिया, अब कह दिया तो प्रतापगढ़ जान ले, सीएम योगी ने उनके कहने से ही प्रतापगढ़ को तोहफा दिया, इसलिए पहला हक तो उनका है, ना कि आराधना मिश्रा मोना का। अब जानिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना और बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता के बीच लड़ाई किस बात को लेकर शुरू हुई। दरअसल रामपुर खास विधानसभा के 7 सड़कों के लिए जल्द ही आर्थिक विकास योजना से धनराशि आवंटित की गई, जिस पर इसका श्रेय लेने के लिए प्रतापगढ़ के सांसद और रामपुर खास के विधायक मिरार हो गई। दोनों नेताओं ने अपने अपने पत्र जारी कर एक दूसरे के दावे को गलत बताया। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने नए सड़कों के विकास के लिए मंजूरी मिलने पर इसे अपनी उपलब्धि दर्ज कराया तो सांसद संगम लाल गुप्ता ने इसी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधायक ने फर्जी विज्ञप्ति दी। विधायक और सांसद की बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। उत्तर प्रदेश शासन ने आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ के कार्यों के लिए करीब 495 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत होने का पत्र 15 मार्च को जारी किया। इसमें विश्वनाथगंज, रामपुर खास, पट्टी, रानीगंज विधानसभा के 14 कार्यों के लिए बजट आवंटित किया गया। रामपुर खास विधायक एवं कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने अपनी विधानसभा के 7 सड़कों के लिए पैसा जारी करने का श्रेय खुद लेते हुए इसे लोगों के लिए स्वागत बताया। इसकी जानकारी होने पर प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने विरोध जताया। प्रतापगढ़ सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा संगम लाल ने विधायक की ओर से त्वरित विकास के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा उनके पत्र पर बजट जारी करने के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि फर्जी विज्ञप्ति है विधायक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से विशेष आर्थिक त्वरित विकास योजना के अंतर्गत मांगे गए प्रस्ताव के क्रम में उन्होंने रामपुर खास समेत सभी 5 विधानसभाओं में इंटरलॉकिंग सड़कों का प्रस्ताव दिया था, जिसके क्रम में प्रदान की गई स्वीकृति में रामपुर खास को पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण विशेष तरजीह दी गई। अब बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने चुनौती दी है, अगर आराधना मिश्रा मोना ने आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री को कोई पत्र दिया हो और उस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो तो उस स्वीकृति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस पर आराधना मिश्रा मोना का जवाब है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास में सड़कों पर धन आवंटन मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद ही पास हुआ, इससे पहले भी उनके प्रस्ताव पर योजनाएं स्वीकृत होती रहीं, इन स्वीकृत सड़कों का प्रस्ताव पहले भी दिया था। 23 जनवरी को सीएम को फिर से पत्र लिखा, अब किसी अन्य का प्रस्ताव बताया जा रहा है तो ही बेहतर जान सकते हैं। बहरहाल प्रतापगढ़ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी और विधायक आराधना मिश्रा मोना और बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता के बीच लड़ाई जारी है। अब दोनों में जीत किसकी हुई ये प्रतापगढ़ के लोग ही जानते होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।